नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, अभी हम सामूहिक पूर्वांचल सभा 21 सेक्टर फरीदाबाद में हैं और यहां पे एक मीटिंग बुलाया गया है अलग अलग प्रदेशों से आकर दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए। और हमारे सामने हैं अरुण सिंह जी, महासचिव हैं सामूहिक पूर्वांचल सभा के। आइए हम जानते हैं अरुण सिंह जी से कि इस सभा की क्या क्या योजनाएं हैं और आगे क्या क्या प्लानिंग करके ये लोग चल रहे हैं। हमारी सभा की योजना यह है कि हम पूरे फरीदाबाद लेवल पर तमाम संस्थाओं को मिलाकर के, तमाम सामाजिक संगठनों को मिलाकर के हमने एक पूर्वांचल सामूहिक पूर्वांचल सभा बनाया है। इसमें पूरे फरीदाबाद के जो सामाजिक समस्याएँ हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, समाज की आर्थिक समस्याएं हो, समाज का दमन हो रहा हो किसी पर, उसकी सहायता करना, गरीबों की सहायता करना, पीड़ितों की सहायता करना, हमें जहां भी कोई मजबूर में है वहां जाकर वहां पर सहायता करना हमारा एक लक्ष्य है। और लोगों को इकट्ठा करना, पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करना पूरे फरीदाबाद लेवल पर, ये हमारा लक्ष्य से रखा गया। किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। कहने के लिए कि पैसा कुछ नहीं है जी, पैसा हमें नहीं चाहिए और उसको नहीं चाहिए, हम पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया हो सत्याग्रह आंदोलन, या आज के डेट में उससे मिलता जुलता आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया हो, सबके पीछे पैसे का हाथ रहा है। मैं आरसी चौधरी जी से जानना चाहूँगा कि इस संस्था को चलाने के लिए पैसे का कहाँ कहाँ से व्यवस्था करेंगे। चौधरी साहब, किसी भी समाज को सुधारने के लिए उसमें फाइनेंशियल कोष का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं और वहां कोष का एक अच्छा खासा हमने इन्वेस्ट किया है। वहां पे हमने समाज के लिए बहुत सारे योगदान करवाया है, समाज से भी और अपनी तरफ से भी। हमारा एक उद्देश्य है कि ये जो हमारे समाज के लोग हैं उनको एक मंच पर लाया जाए और उसके लिए ऑडिटोरियम बुक करवाया जाए जो दशहरा ग्राउंड में है। उसमें समाज के जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और जब तक हम ये मीटिंग करने के लिए जाएंगे उस समय तक जो भी जुड़ पाएंगे उन सभी को वहाँ पे इकट्ठा करना है। उसके लिए जो भी फंड्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो बुकिंग का हो या और जो भी फंड्स की ज़रूरत होगी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है फंड्स की। बस हमें केवल समाज से सहयोग चाहिए और हमारे इतने भाई जुड़ गए हैं तो फंड्स तो अपने आप आ जाता है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। अब हमारे सामने हैं फरीदाबाद के प्रथम मेयर और यूं कहें कि हरियाणा के प्रथम मेयर सूबेदार सुमन जी, जिन्होंने एक तरीके से हरियाणा में और फरीदाबाद में पूर्वांचल वासियों के लिए एक रेवोल्यूशन लाया था और उसी का इन्हें एक जिम्मेदारी मिली कि ये फरीदाबाद में और हरियाणा के प्रथम मेयर बन पाए। तो सूबेदार सुमन जी बताएंगे इस संस्था के बारे में क्या क्या योजनाएं हैं। हमारी यह संस्था 84 संस्थाएं फरीदाबाद में पूर्वांचल की काम कर रही हैं, उन सभी को मिला करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक मंच पर खड़ा करें और उसके तहत इस संस्था का निर्माण हुआ और उनको साथ लेकर के पूरे फरीदाबाद में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, इनमें हम जनहित के कार्यों को करेंगे और इसके माध्यम से हम राजनीति में भी प्रयास करेंगे कि हमारे लोग कम से कम नगर निगम चुनाव में चुन करके आए और समाज के लिए अच्छे कार्य करें। और नए लोगों को जोड़ने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? यंग ब्लड को जोड़ने के लिए हम अगली मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें नौजवान साथियों को इसी तरह का एक पैटर्न बना करके उनको पदों से सुसज्जित किया जाएगा, पद दिए जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज MLA कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर पार्षद तक की जिम्मेदारी अलग अलग सबको दी जाएगी और उनको पदाधिकारी बनाया जाएगा और एक यूथ विंग जो इस समाज के लिए काम करेगा, इस संस्था के लिए काम करेगा, पूरे फरीदाबाद में चारों तरफ उनका गठन किया जाएगा। संस्था के प्रधान और यूं कहें कि संस्था का सारा दामोदर राजनाथ सिंह जी, हम जानते हैं राजनाथ सिंह जी से कि इस संस्था के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। हमारा मेन उद्देश्य है ये संस्था बहुत आगे बढ़े और इसके आगे बढ़ाने के लिए हमसे भरसक जो कुछ भी प्रयास होगा हम इसको अपने यथाशक्ति पूरा योगदान देंगे और इसको जाति पाति मुक्त
भेदभाव मुक्त इस संस्था को बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को, बुजुर्गों को, अपने छोटे भाइयों को, सबको जोड़ के इस संस्था को हम चलाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले समय में ये संस्था, बहुत बड़ी संस्था फरीदाबाद में पैदा होगी, डेवलप होगी और इसका सभी भाइयों को, बच्चों को लाभ मिलेगा। अब मैं जानना चाहूँगा रामाकांत तिवारी जी से कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन्होंने क्या क्या नया योजना बनाया हुआ है। इस संस्था के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा। इस संस्था का एक हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि संस्था के बारे में लोग, जो संस्था के जितने भी लोग थे, इनके बारे में आम तौर पे जो राजनीतिक लोग हैं वो, मैंने पहले भी कहा था कि 60वें महीने में ध्यान करते हैं, जब चुनाव का 60वां महीना आता है तब ध्यान आता है उनको कि इनका भी ध्यान करना पड़ेगा हमको। तो हम ये चाहते हैं कि 60वें महीना न करके वो पहले महीने से ध्यान करना शुरू करें और इसी प्रयास के लिए हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो कि जो लोग भी आखिर में ध्यान करते हैं वो निरंतर हमारा ध्यान बनाए रखें, और नहीं बनाएंगे तो फिर हम अपना स्थान खुद बनाएंगे। बताएं योजनाएं क्या क्या है नए लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि नई संस्था है तो इनको आदमी की जरूरत होगी, मेंबर की जरूरत होगा, इसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं? ये समिति फरीदाबाद लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी है, तो कोशिश ये है कि फरीदाबाद के जितने भी लोग हैं वो सब सामूहिक रूप से इसमें शामिल हों। खासकर पूर्वांचल जो लोग पीछे से दबे कुचले या परेशानी महसूस करते हैं तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनमें राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए ये सारा काम हम लोग करेंगे। किसी भी संस्था के बारे में आम लोगों तक बात पहुंचाने की या मैसेज देने की तो ये एक भूमिका प्रोफेसर साहब का है। जानते हैं प्रोफेसर साहब मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे ताकि इनकी बात जो है वो आम लोगों तक पहुँच पाए। जी प्रोफेसर साहब, आज के समय में परिस्थितियाँ बदल गई हैं और मीडिया का रोल, मीडिया की भूमिका अहम हो गई है। ऐसे में हमारे माननीय पदाधिकारियों ने हमें यह भूमिका देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं यह आपको बताना चाहूँगा और आपके इस मई मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी ये सामूहिक संगठन समाज के लोगों को एक साथ जोड़कर हरियाणा और समाज से जुड़े तमाम लोगों के सम्यक और सार्थक विकास में सतत प्रयत्नशील रहेगी। जी प्रमोद जी, अब आप बताएं सामूहिक पूर्वांचल सभा से आप जुड़ रहे हैं और इसे आगे ले जाने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रख के और किन किन योजनाओं को अमल में लाएंगे? भाई जो हमारे साथी जो हमें निर्देश देंगे हम उनके साथ हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशों पर चलते रहेंगे। इस संगठन के लिए हमें चाहे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, जो भी है, तन मन धन से हम हर तरह से संगठन के साथ हैं और हमारा संगठन एक दिन बहुत बड़ी तरक्की करेगा और हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं क्योंकि हमारे विचार नेक हैं, हमारे सबके जो है सामूहिक जो है हमारे विचार हैं। इस समय मैं बदरपुर विधानसभा में हूँ और हमारे साथ वार्ड नंबर 202 के पूर्व निगम पार्षद महेश अवाना जी हैं, जो कि डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं मध्य क्षेत्र से। तो आइए इनसे जानते हैं कि बदरपुर क्षेत्र की जो आपका वार्ड है इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे जो गंभीर समस्या है हमारे यहाँ, जिसको मैं अपने तरीके से ले सकता हूँ, सबसे पहले ओजोन का जो दिक्कत है लोगों को, सबसे बड़ी दिक्कत ओजोन की है। यहाँ पे एक ऐसा मामला थोप दिया गया लोगों के ऊपर कि जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो ओजोन का मतलब है कि जो नदी कोई भी होती है किसी क्षेत्र में तो उसमें आर्द्रता, नमी, उसका जो माहौल है वो, मतलब शुद्ध वातावरण के लिए ये चीजें तय की जाती है। तो हमारे यहाँ पे करीब, जहाँ आप मेरे निवास पे बैठे हैं, यहाँ से यमुना करीब करीब समझो 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है और यमुना की आर्द्रता बनाए रखने के लिए जो उसका सेंटर होता है, सेंटर से करीब करीब 300 मीटर का दायरा होता है किनारों तक, कि भाई सेंटर से 300 मीटर तक कोई भी उसमें बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी, उसको ग्रीन क्षेत्र रखा जाएगा। तो उसको लेकर के क्या हुआ कि कुछ लोगों ने यमुना के अंदर
यानी जो पुस्ता यमुना का होता है उसके अंदर की साइड में अनऑथराइज कॉलोनी काटती, उसको रोकना चाहिए था उस टाइम। जिन लोगों ने उसको नहीं रोका उसमें दोषी जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई उस चीज को उस समय पे यमुना के अंदर क्यों नहीं रोका गया, क्यों लोगों को वहां कॉलोनी काटने दी। जिसमें ये मैं जहां बैठा हूं ये मीठापुर गांव क्षेत्र है हमारा, मोलरबंद गांव है, हरिनगर गांव है, ये जो गांव है ये हजारों साल पुराने गांव है और ये लोगों के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। आसपास जो कॉलोनी बनी है, जो कॉलोनी काटी है लोगों ने, वो मलकियत की जमीन पे, किसी ऐसी जमीन पर नहीं है कि जो ग्राम सभा है या देह सामलात है या उस पर सरकारी कोई दावा कर सके, ऐसी कोई जमीन नहीं है। ये किसानों की जमीन है और किसानों की जमीनों को प्रॉपर्टी डीलर्स ने लेके कॉलोनी काट दी, जिसको सरकार ने ऑथराइज करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले कांग्रेस के टाइम में भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए थे और उस समय जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए थे तो इन कॉलोनियों में एमएलए को काम करने का अधिकार दे दिया था, जिसमें जो उस समय के एमएलए रहे रामवीर विधुड़ी जी उस समय में एमएलए थे यहाँ के, तो उन्होंने कॉलोनियों के अंदर सड़कों का काम कराया था, नालियों का काम कराया था। जब वहां सड़कों की परमिशन हो गई, नालियों की परमिशन हो गई, हायर सेकेंडरी स्कूल वहां बन गए, प्राइमरी स्कूल वहां बन गए, डिस्पेंसरी वहां बन गई, तो जब सरकार ने इतना पैसा उन कॉलोनियों में लगाने के लिए दे दिया तो वो आज ओजोन कैसे हो गई। तो सबसे बड़ा मुद्दा ओजोन का है, जिसको मैं नंबर एक पे गिनता हूं, वो मुद्दा केवल यमुना के दायरे तक रहना चाहिए। दूसरा, उसमें जो कमी है सरकार की तरफ से, सरकार की ये कमी है कि उसी सरकार ने जो ओजोन लगा रही है उसी सरकार ने रिसेटलमेंट कॉलोनी वहां बसा दी, जैसे मदनपुर खादर का एरिया जो लगता है वहां रिसेटलमेंट कॉलोनी बनी है और वो यमुना के दायरे से कितनी दूर है वो देखिए, और मीठापुर गांव कितनी दूर है या ये क्षेत्र कितनी दूर है, 5 किलोमीटर के दायरे में तो ओजोन है। और जो सरकार उनको बसा रही है अनऑथराइज, जो मतलब जो झुकी झोपड़ियों को तोड़ा गया उन लोगों को रिसेटलमेंट कॉलोनी बना रही है, वहां प्लॉट दे रही है 25 गज के, 20 गज के, 12 गज के, 12 और 22 गज के, तो और यमुना के अंदर अक्षरधाम मंदिर बनाया है वो सरकार की देखरेख में बना है, और यमुना के अंदर उसी दायरे के अंदर वहां पर जो खेल गांव बनाया गया जिसमें फ्लैट्स बनाए गए खिलाड़ियों के लिए या आने वाले अफसरों के लिए, वो फ्लैट्स भी आज वहां बने हुए हैं। तो ये सब काम सरकार कर सकती है, अगर सरकार करेगी तो वो ऑथराइज हो गया, वो ओजोन में नहीं आता, ये ओजोन में आ गया। दूसरा जो गंभीर समस्या है सबसे बड़ी, वो वैसे तो मैं कहूंगा कि पूरी दिल्ली के अंदर है, जाम की जो स्थिति है वो पूरी दिल्ली के अंदर है, लेकिन कहीं मैं अगर समझता हूं तो बदरपुर के अंदर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति है। और वो जाम की स्थिति इसलिए है कि यहां पर जो रोड है उनको कभी चौड़ा नहीं किया गया, जो रोड जिस समय जैसी थी वो आज भी वैसी है, थोड़ा बहुत 2-4 फुट इधर उधर हो गई, नालियां वगैरह बना दी और उसके दायरे में रोड चौड़ी नहीं हुई। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली जो आबादी थी यहां पर वो केवल 4 या 5 गांव इस क्षेत्र में थे, अब करीब करीब 80 अनऑथराइज कॉलोनी इस क्षेत्र में बस चुकी हैं, और उन 80 कॉलोनियों के साथ साथ जो हमारा क्षेत्र है ये बदरपुर क्षेत्र, ये हरियाणा सीमा से लगता हुआ है, और हरियाणा सीमा से लगने के कारण जो हरियाणा के अंदर हरियाणा क्षेत्र में जो कॉलोनी कटी है, अनऑथराइज एरिया जो कटा यमुना तक के किनारे तक जो कटा है, वो सारा एरिया यानी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का एरिया, और यहां तक की बताऊं कि आपको कम से कम यहां से 8 से 10 किलोमीटर तक का जो व्यक्ति वहां बस रहा है हरियाणा में, उसका आने जाने का रास्ता यही है। और ये बड़ी समस्या है जो जाम की है, और इस जाम से निजात दिलाने के लिए कई हमारे पास ऐसे वो हैं जिनसे जाम से निजात मिल सकती है। एक ऑटो का सबसे बड़ा मामला है, ऑटो जो है वो कहीं से भी घुमा देता है, कहीं से भी चला देता है, कहीं भी खड़ा कर देता है। एक चीज उसकी बड़ी समस्या क्या है कि जो हमारे यहां बदरपुर जैतपुर मोड़ है जो, उस पर एक सबवे बनाया गया, वो सबवे बनाया तो गया था लोगों को सड़क के नीचे से आर पार जाने के लिए, लेकिन उस सबवे में कमी क्या कर दी कि उसको यहां से जो बदरपुर के लिए रास्ता जाता है मीठापुर चौक से, उसके बिल्कुल टी पॉइंट पे उसको बना दिया गया। अब टी पॉइंट पे बनाने से क्या होता है कि एक तरफ लोग वहां से निकलते हैं, जो जाते हैं सबवे के अंदर वो भी सड़क क्रॉस करते हैं बार बार, और जो निकलते हैं वो भी सड़क क्रॉस करते हैं, तो आने वाली सड़क और जाने वाली सड़क
दोनों पे बराबर लगातार क्रॉसिंग होता रहता है लोगों का, उसकी वजह से जाम लग जाता है। मैं एक दावा कर सकता हूं, खुले चैलेंज कर सकता हूं कि इस बदरपुर के अंदर जो 400 करोड़ रुपया लगाया गया इस फ्लाईओवर पे, वो 400 करोड़ मिट्टी में मिल गया। जिसने इसका नक्शा बनाया वो कौन लोग थे, कौन इंजीनियर था जिसने इस नक्शे को बनाया, मैं इस नक्शे को बिल्कुल समझता हूं कि वो फेलियर इंजीनियर था जिसने इस नक्शे को बनाया। यहां की सुविधाओं के हिसाब से इस नक्शे को नहीं बनाया गया बदरपुर के जाम के विषय में, इसको केवल बना दिया गया कि लोग रोड पे से ऊपर चढ़ के निकल जाए, फरीदाबाद चले जाएं, आगे चाहे वो कहीं भी जाम में खड़े रहें चाहे इधर जाम में खड़े रहें। आज हमारी स्थिति पहले से भी पुल बनने के बाद 400 करोड़ रुपया लगने के बाद भी पहले से बदतर हो गई है और बेकार हो गई है। इस पुल का कोई फायदा नहीं है। मैं ये दावा कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मुझे एक महीने का टाइम दिया जाए और जो मैं कहूं पुलिस वालों से, जो मैं कहूं वो काम करें, और अगर बदरपुर में नीचे कहीं भी जाम लग जाए, ऊपर कहीं भी जाम लग जाए, ऊपर तो पुल से निकल जाएंगे लेकिन नीचे किसी भी मोड़ पे अगर जाम लग जाएगा तो मैं अपनी तरफ से कम ये कह सकता हूं 1,00,000 रुपए एक महीने का हर्जाना मैं अपनी जेब से भरूंगा। अगर मेरे कहने से पुलिस काम कर दे, प्रशासन काम कर दे तो यहां जाम नहीं लगेगा, क्योंकि जो टी पॉइंट पे सबवे है उस सबवे को हम दोनों साइड की जो रोड है उसके नीचे से साइड पे निकालें जिससे लोगों को बार बार रोड क्रॉस ना करना पड़े। अभी हमने बात करी मोदी जी के अभियान की, तो मोदी जी एक अभियान चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान जी, संजय जी, जी 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 आपका जो क्षेत्र है, हाँ जी, ये बदरपुर में जितने भी वार्ड है सारे वार्ड की जो समस्या मेन समस्या है, एक तो सीवर जाम की है, सीवर है ही नहीं हमारे यहाँ, और गंदगी फैली हुई है। मैं आपको बताऊंगा क्या है इसका, मैंने बताया लापरवाही। आपको जानकारी होगी, आप अब इस एरिया में जानकारी भी लेंगे जाएंगे, केवल मैं अपनी बात कहूं उससे मतलब हासिल नहीं होता। आप लोगों से पूछना कि महेश अवाना जी जब यहां के पार्षद थे तो कैसी सफाई होती थी, कैसा काम होता था और आज कैसा काम हो रहा है, ये बहुत अंतर आपको मिलेगा इस बात के लिए। अब आप देखिए मीठापुर चौक पर रेहड़ी लग जाती है, जाम लग जाता है रोजाना। क्यों लगता है जाम? क्योंकि रेहड़ी वालों से यहां के जो लोग हैं पार्षद हैं वो पैसा लेते हैं, पैसा उगाते हैं। हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया, हमने कहा भाई चौक पे रेहड़ी नहीं लगेगी, जहां पे आने जाने का रास्ता है उस पे रेहड़ी नहीं लगेगी, आप साइड में रहिए। ना किसी पार्षद को पैसा दीजिए, ना किसी पुलिस वाले को पैसा दीजिए, अपने बच्चों का पेट पालिए, बढ़िया से कमाइए। हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पे इतनी रेहड़ी लग जाती है, हरियाणा के लोग वहां आके रेहड़ी लगाते हैं, हमारे नहर के पुल पे मीठापुर चौक पे हरियाणा से लोग आके रेहड़ी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हमारे यहाँ रेहड़ी? अरे रेहड़ी लगाओ, लेकिन रेहड़ी वहां लगाओ जहां पे किसी को दिक्कत ना हो। पीछे आपने आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार किया था, बिल्कुल किया, अभी आप हाल फिलहाल में ही बीजेपी में आ गए, हाँ जी, क्या कारण रहा इसका, क्यों आम आदमी पार्टी? इसका कारण आम आदमी पार्टी के अंदर वन मैन शो है, जैसा आप अभी पेपरों में देख रहे हो, टीवी के माध्यम से देख रहे हो, आप रोजाना मीडिया के आदमी आप रोजाना देखते हो। अभी कई लोगों ने ये बात कही है, मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूं इस बात को, वहां पे वन मैन शो है, केवल केजरीवाल जो कहे वो हो, नहीं तो कुछ ना हो। ऐसा तो हमने पहले भी देखा था, कांग्रेस के राज में देखा था, हम कांग्रेस यूथ कांग्रेस में रहे, हमने काफी टाइम कांग्रेस के अंदर रहे, तो उसमें क्या था, वहां भी वन मैन शो हो गया था, वहां केवल गांधी परिवार की बात होती थी, और यहां भी क्या है, यहां केजरीवाल की बात होती है। एक दोनों पार्टियों में कोई अंतर हमें नजर नहीं आया, इसलिए हमने सोचा कि जहां हम बीजेपी में थे तो बीजेपी में रहे, कम से कम वहां लोगों की बात सुनी जाती है, कही जाती है, कोई अपने विचार रख सकता है, भले ही वो विचारों पे कोई बात किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन वहां कहने का अधिकार सबको है, अपनी बात लोग हम रख सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन ये दो पार्टियां हमने ऐसी देखी हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कि यहां पे कोई सुनने वाला नहीं है, यहां पे जो केजरीवाल कहेंगे या तो वो करो और नहीं तो पार्टी से बाहर रहो। मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, बिल्कुल, तो उस बजट पे जो है विपक्ष के लोग जो है उन्होंने आरोप लगाया कि ये बजट जो है बड़े लोगों के लिए है, पैसे वाले लोगों के लिए है, गरीबों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए जहां तक बजट की बात है, बजट पे हम लोग अपनी जो मेरी पर्सनल राय है, मैं पर्सनल राय इस पे दे सकता हूं, बजट में मैं ये कह सकता हूं कि एक देश की तरक्की के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बैलेंस किया गया है, और वो बैलेंस कहीं कहते हैं ना, मैंने अभी बताया ना आपको कि फ्री के चक्कर में
आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई दिल्ली के अंदर, क्या फ्री किया उन्होंने? बिजली और पानी का, कहा कि बिजली पानी माफ और बिजली हाफ। अब आप देखेंगे इसी क्षेत्र में, मैं बता रहा हूं, मैं दूसरे क्षेत्र में तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो यहां 24 घंटे में 2 घंटे का कट होता था बिजली का, 2 से ज्यादा कभी कट नहीं हुआ, कभी 2 घंटे का यहां हो गया तो वहां हो गया, लेकिन आज 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक कभी भी बिजली कहीं भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है बिजली। कहां क्यों नहीं आ रही है बिजली? अब आप फ्री का चाहेंगे तो कहां से आएगी? एक बहुत चलाक आदमी है जो केजरीवाल है, उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक आपको यह रेट देना पड़ेगा, 201 हो जाएगी तो पूरा। अब आप ये बताइए कि वो आदमी क्या हम हर हमेशा मीटर के सामने खड़ा रहेगा, देखेगा कि कहीं 200 पार तो नहीं कर गया महीना, 200 पार तो नहीं कर गया? अगर 201 गया तो पूरा, पानी 700 लीटर तक मुफ्त है जी, 701 लीटर हो गया तो पूरा, कहां फ्री हो गया मेरे भाई? मोदी भी कर सकते थे इस चीज को, तो अभी छूट दे सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे बजट में, लोगों को बहुत, अभी चुनाव आ रहे हैं, लोगों को बहुत फायदा दे सकते थे। आप सोचिए फायदा देना कहां तक सीमित है, कहां तक हम पानी के अंदर घुस रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि कम से कम इतने गहरे पानी में हम घुसे कि जहां हमारी नाक बच जाए जिससे हम सांस लेते रहे। देश में जैसा कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि एक धर्म पे निर्भर नहीं होना चाहिए। बीजेपी जो है उनके कुछ सांसद जो है उनका मानना है कि सिर्फ हिंदुत्व ही आगे बढ़े, माइनॉरिटी पीछे जाए। तो अभी जो साध्वी निरंजन ज्योति, हाल फिलहाल की घटना है, अभी साध्वी निरंजन ज्योति जी का बयान था, सलमान, शाहरुख और आमिर खान तीनों का फोटो निकाले घर से और इस होली में दहन कर दे जी, ये क्या है ये बयान? क्यों देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कोई किसी एक मोदी की सरकार के बयान नहीं है, ये जो बयान है ये बयान है किसी की पर्सनल बयान हो सकते हैं, मेरा भी किसी के प्रति पर्सनल बयान हो सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, वीआईपी कल्चर जो है हमारे देश में जी, अभी मनोहर लाल खट्टर जी की लेटेस्ट न्यूज जो है अपने यहाँ, मनोहर लाल खट्टर जी के कार से एक आदमी का एक्सीडेंट होता है जी, उनको मुआवजा दी जाती है, क्या ये वीआईपी कल्चर हटानी नहीं चाहिए? कोई भी व्यक्ति ना तो एक्सीडेंट जान करके करता है और ना ही कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होता है कि कोई आदमी जाए कि मैं एक्सीडेंट हो जाऊं गाड़ी के सामने, ऐसा नहीं होता, ये स्वाभाविक है, लापरवाही हो जाती है कई बार आदमी से।